हेलो स्टूडेंट्स, HLB डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा हुई तो मैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पास समय बहुत कम है, आप देखते रहिए और हर कोई ऐसा प्रश्न ना हो जो आपकी समझ में ना आए। तो आइए प्रश्न को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मैं शुरू करता हूँ, जिसमें दिया पहला शुक्ल युग की अवधि है। तो शुक्ल युग की अवधि है आपका दिया गया है खा, ऑप्शन है दिया गया है का 1919 से 1950 तक, खा 1919 से 1950 तक, 1900 से 1919 तक, घा 1919 से 1938 तक। तो आपका ये घा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसका बाद में दूसरा दिया है लहरों के राजहंस रचना की विधा है, लहरों के राजहंस रचना की विधा है नाटक है, जो कि आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा दिया है कंकाल उपन्यास के लेखक हैं, कंकाल उपन्यास के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, यानी आपका गा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्नों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 4 पर पहुँचते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया है लेखक और उसकी कृत के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। तो लेखक और कृत के युग में कौन सा युग्म गलत है, आपका घा आंसर जो है दर्शन और दिग्दर्शन जो है ये आपका गलत है, गलत पूछा गया है। उसके बाद में पांचवा प्रश्न दिया रीत काल को कला का काल नाम किसने दिया। तो कला का काल नाम दिया है खा ऑप्शन आपका रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 6 पर पहुंचते हैं। छठवां हमारा प्रश्न दिया भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं। तो भूषण जो हैं वो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि। प्रयोगवाद का आरंभ कब हुआ, प्रयोगवाद का आरंभ हुआ 1943 ईस्वी के बाद, 1943 ईस्वी के बाद से। फिर सीढ़ियों पर धूप के रचयिता हैं, सीढ़ियों पर धूप के रचयिता दिया गया है का ऑप्शन है रघुवीर सहाय दिया गया है। फिर अगला नवा प्रश्न दिया है हा शोभा के शपथ सम हा रूप लावण्य हारे, हा बेटा हा हृदय धन हा नेत्र तारे हमारे। तो यहाँ पर जो है करुण रस हो जाएगा, जो कि आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 10 पर पहुंचते हैं। दसवां हमारा प्रश्न दिया है निम्नलिखित पंक्तियों में आए छंद का नाम क्या है, मैं समझो निर्धार, ये जग कांचो काच है एक रूप अपार प्रतिबिंबत लखियत यहाँ। तो इसमें देखिए दिया गया है का ऑप्शन है सोरठा। सोरठा की परिभाषा क्या है कि ये अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में, यानी पहला ये हो गया और तीसरा ये चरण होगा। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा सोरठा हो जाएगा। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्ति में अलंकार है भूरे बालों की सी कतरन, इसमें उपमा अलंकार है, कौन सा अलंकार है उपमा अलंकार है। अगला दिया है अनुसरण शब्द में उपसर्ग है, अनुसरण शब्द में उपसर्ग कौन सा दिया गया है, गा ऑप्शन सही का अनुपसर्ग है, कौन सा है अनुपसर्ग है। प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 13 पर पहुंचते हैं। 13वां हमारा प्रश्न दिया है क्रियाओं में धात रूप के बाद लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, क्रियाओं में धात रूप के बाद लगने वाले प्रत्यय कहलाते हैं, जो मूल प्रत्यय हैं क्रियाओं के धातु में प्रत्यय काले कहलाते हैं। तो ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, हमने बताया है कई वीडियो में, तो इसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। अगला दिया तन मन धन में कौन सा समास है, तन मन धन में द्वंद्व समास है, क्योंकि यहाँ पर मध्यवर्ती चिन्ह लगे हैं इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, यानी तो ये रात शब्द जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है रात। उसके बाद में प्रश्न के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 16 पर पहुंचते हैं, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घोटक अश्व बज, यानी कटक जो है वो घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है।
फिर है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल के होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। फिर अगला दिया है मतया रूप मत शब्द का है द्वितीय विभक्त एक वचन, तृतीय विभक्त एक वचन, तृतीय विभक्त द्विवचन, द्वितीय विभक्त बहुवचन। तो द्वितीय विभक्त मतया शब्द दिया है मतया शब्द दिया है या रूप मत का है प्रथमा विभक्त इसमें नहीं दिया है। प्रथमा विभक्त एक वचन हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन दिया है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन बहुवचन दिया है प्रथमा विभक्ति बहुवचन ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नहीं दिया था। तो अगला प्रश्न देखिए दिया है पठेव रूप पठ धातु का है पठ धातु का है पठेव। तो देखिए पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का यानी आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला दिया हंस धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? हंस धातु विधिलिंग लकार है हसेत हसेताम हसेयु हसे हसे शब्द दिया है ये मध्यम पुरुष एक वचन हसेत हसेताम हसेयु हसे हसेतम हसेत तो मध्यम पुरुष है एक वचन है इसलिए आपका ये खास हो जाएगा हसे शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो 20 कंप्लीट हो गए। तो आइए देखते हैं गद्यांश दिया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया है का बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं पर वो अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वो बुरे लोगों की संगत में पड़ता है तो उसके आध्यात्मिक उन्नत में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। तो देखिए इसमें पूछा गया है प्रश्न गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम क्या है? तो देखिए पाठ हैं मित्रता और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रकार से ये हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या यानी जितने में अंडरलाइन किया गया इसकी व्याख्या करनी। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं पर इसे शब्द द्वारा किस प्रकार प्रसंग संकेत किया गया है? इसे दुर्भाग्य ये समझते हैं कि वो बुरी लोगों की संगति में साथ आ जाते हैं इसके कारण से वो अपना दुर्भाग्य समझते हैं और धीरे धीरे वो बदलते चले जाते हैं। तो कहते हैं कि कबीरा संगत साधु की और करीजे काज और संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। तो जिस प्रकार से आप संगत में जाएंगे उसी प्रकार से आपको वैसे ही मिलेगा। अगला खा ऑप्शन दिया गया आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल अमृत की तलाश में हैं और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न ये है कि इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में उसी तरह से बहता रहेंगे। इनको अमृत देता है जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए और रखेगा। तो ये दिया गया है भारतीय संस्कृत का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा हुआ है। इसके पाठ का नाम है भारतीय संस्कृत लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर हो गए। रेखांकित अंश की व्याख्या है भारतीय संस्कृत विशाल सागर का जल किसके द्वारा मलिन हो जाता है? वो मनुष्यों के द्वारा मलिन हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगला दिया है आइए अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्भ भी स्पष्ट कीजिए।
देखिए चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ, चाह नहीं भी प्यारे बिन प्यारी को लल चाहूँ, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊँ, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ी भाग पर इट लाऊँ, मुझे तोड़ लेना बन माली उस पर देना तुम फेंक मात्र भूम पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। तो देखिए ये किस पाठ का है, ये है पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा। लेख पाठ है शीर्षक, रचयिता हैं माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। अगला देखिए पद्य, अगला पद्यांश दिया गया है विश्वत रेखा का वासी हो जो जीता है नित हाँफ हाँफ, रखता है अनुराग अलौकिक वो भी अपनी मातृभूमि पर। तो ये किस पाठ का है, देखिए आइए इसके पाठ का देखते हैं, स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम पाठ है स्वदेश प्रेम, और रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है ना। उपरोक्त संदर्भ हाँफ हाँफ कर कांप कांप पर ये दिया है कि कौन सा अलंकार है, तो देखिए हाँफ कर और दूसरा दिया है कांप कांप पर, दो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इस प्रकार से मनुष्य का मातृभूमि के लिए कर्तव्य होना चाहिए फिर इस प्रकार से। अगला देखिए नेक्स्ट पहुँचते हैं, तीन दिया है ये नगरी विविध धर्मार संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य महान महात्मा अगस्त यहाँ पर विचारानंदा किलो प्रसाद साहित्य दर्शन अर्पित कला के क्षेत्र में भी ये नगरी कलाओं में शिल्प के लोक के प्रस्ताव आत्र कौशल चकटा देशे देशे सर्वत स्पन्ते प्रस्तर मुथिया प्रथिता एवं निजा प्राचीन प्रथम इतना, इस प्रकार से ये दिया गया है। पाठ दिया है वाराणसी पाठ, कौन सा है वाराणसी पाठ से दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में अगला देखिए दिया है पुनः ग्रामीणों ब्रवीत इदानीम भवान प्रेक्षित प्रहलकाम दंड दानेन खिन्ना नागरिक बहुकालम विचार न कांचित प्रहलकाम स्मरत अतः अधिकम लज्जामान अब्रवीत स्वीकार प्रहलका तुम्हें उत्तर ब्रु तदा सा ग्रामीणा बिहस। ये किस पाठ का है, ये है प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा पाठ के दिया गया है। तो आइए अगला नेक्स्ट का हिंदी में अनुवाद करना नेक्स्ट देखते हैं, मंदनम मरणम वाप जव वाप पुराजा उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, ये किस पाठ का है, वीरा वीरेण पूज्यते, वीरा वीरेण पूज्यते, ठीक है। फिर अगला दिया है सह द्वादश उत्था चतुर्विश सर्वान वेदानिन महामना स्तब्धयाव ता चा पितावास, तो ये महामना मद सा द्वादश वर्ष उत्थे चतुर्विश सद्वृत सर्वान वेदांधी महामना स्तब्धयाव ता। तो इस प्रकार से इसमें से आपको एक लिखना है, ये स्वतकेत पाठ से दिया गया है, स्वतकेत से पाठ से दिया गया है। फिर अगला देखिए प्रश्न नंबर पांचवा है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए।
यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका जो डिस्ट्रिक्ट में चलता है मुक्तूत खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग क्या था यानी गांधी जी की प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया है। दूसरा प्रश्न है मुक्तूत खंड काव्य के आधार पर नायक महात्मा गांधी का चरित्रण कीजिए यानी पांच बिंदुओं के अंतर्गत आपको चरित्रण करना है। तो अगला नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, राजेंद्र प्रसाद है। इसमें से एक लेखक के आपके जीवनी और एक रचना का नाम उल्लेख करना है। प्रश्न नंबर अगले खा पर पहुँचते हैं, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का नाम उल्लेख कीजिए। रसखान है, महादेवी वर्मा है और राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो इसमें से एक कवि का जीवन परिचय और उसकी एक रचना का उल्लेख करना है। अगला दिया गया है अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ किए हुए कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी आपको दो लाइन की श्लोक लिखना है जो इसमें नहीं आया है। आठवां प्रश्न दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना होगा। पहला प्रश्न दिया है कुत्र मरणम मंगलम भवत, यानी कहाँ मरना मंगलकारी होता है, तो कुत्र का जगह पर वाराणसी मंगलम मरणम भवत। फिर दिया है पुरुराज का आसीत, यानी पुरुराज कौन थे। फिर है राष्ट्रभक्ता का आसीत, राष्ट्रभक्त कौन थे। भारतीय संस्कृति किम तात्रम, यानी भारतीय संस्कृति का क्या तात्पर्य है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने होंगे, मात्र दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आइए नेक्स्ट पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर एक स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, दूसरा जनसंख्या विस्फोट, तीसरा देश प्रेम, चौथा स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो देखिए इस एक विषय पर आपको इन चारों में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। जैसे जनसंख्या विस्फोट है, यानी निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो एक न एक दिन ये स्थिति उत्पन्न होगी कि हमारा क्षेत्रफल देश का तो बढ़ता नहीं है, यानी देश का क्षेत्रफल जितना उतना ही, लेकिन निरंतर जनसंख्या बढ़ने के कारण सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, जीवन में अगर व्यक्ति स्वस्थ शरीर है तो सब कुछ उसके लिए अच्छा है, और अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, सारा संसार बेकार है। तो इस प्रकार से इन चारों में से एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा। तो हेलो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। किसी प्रकार की कोई अगर दिक्कत आती है, कोई प्रश्न आपका, तो वो कमेंट के माध्यम से बताएँ। धन्यवाद।